कैरेक्टर समझा दें डायरेक्टर साहब। मैं आपको बता रही हूँ जितनी शिद्दत से ज़ैनब गुब्बारे फुला रही थी। नहीं बारे बारे ला बारे ला तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तो आज मेरे सॉन्ग का है शूट जो कि मैं अपने चैनल इकड़ा कवल पे करने जा रही हूँ रिलीज। मैं अब आपको ना सारी डिटेल बताऊंगी अपने लुक के बारे में। पंजाब सिंध बलोचिस्तान और NWFP मतलब पख्तून खान होता है ना, चार सूबे होते हैं। तो पंजाब की शलवार कमीज दुपट्टा ये देखें, और जैकेट फ्रॉम सिंध, और जूते फ्रॉम क्वेटा मतलब बलोचिस्तान, और ये फ्रॉम पख्तून। तो चारों सूबे एक उसमें टायर में कवर किए हुए हैं। और यहाँ पे एक लड़की है जो कि शदीद किस्म की पागल हो चुकी है, सुबह होते ही दिमाग खराब करने के लिए हाजिर है। सो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको वो पागल खाना यहाँ से बराह रास्त दिखा दूँ। तो चलते हैं उसकी तरफ, चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। लेट्स गो। नॉट इंटरेस्टेड। इधर आओ जरा, इधर आओ जरा। क्या कहा है? मैं आज बोल रही थी कि आई एम सो मच एक्सपेंसिव। नहीं, इफ यू वांट मी देन अर्न मी। अर्न मी इतनी तुम गोल्ड वाली स्टेक। यू वांट मी देन अर्न मी। मैं कोई मुफ्त की चीज? तुम वो गोश्त का टुकड़ा हो जो 80,000 का किसी भी रेस्टोरेंट पे मिलेगा, जिसके ऊपर येलो कलर का पेंट करके लोग गोल्ड के नाम पे भी बेचते हैं। तो 14 अगस्त की तैयारियां तो हम लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग तो कर ली थी, लेकिन आज जिसके लिए मतलब 14 अगस्त के लिए भी शॉपिंग की थी, लेकिन इस औरत की एक वीडियो बननी है, उस वीडियो के लिए इसने बहुत दिमाग चाटा हुआ था। सुबह से मुझे कह रही है आप ही तैयार हो जाओ, आप ही तैयार हो जाओ, आप ही तैयार हो जाओ। मैंने कहा मुझे तो मैं तैयार करके क्या करना, कहती है हसीन लड़की नहीं ना ली कभी, इसलिए तो मेरे साथ आओगी ना तो मेरी जरा शोभा बढ़ जाएगी। जैसे क्या था? जैसे जैसे एक एक शबे बरात में दिया चलकर उसकी भूल गया जे एन लैक भांडा है जे एनु एक लाओ इतो। देखिए ये दो अदे दौर से जो है ना, तुम्हें किसने कहा था जागने के लिए? फातिमा एडिटिंग करती है। ये पता क्यों नहीं सोई है? क्योंकि इसने सुबह उठ के अच्छा परफेक्ट वाला लाइनर लगाया था। प्याज बहुत बुरा है, मुझे कोई बात ना करे मुझसे। ओए आई डोंट लाइक पीपल। झंडे को प्याज तरीके से ट्रीट कर, चंड मारूंगी। प्यारा ही है ये, मेरा है तो मेरा प्यार जाओ। हाँ मरोड़ना नहीं है, मारूंगी पकड़ के तुम्हें मैं यहीं से। आ जाओ ज़ैनब। ये देखें कैसे इस बहन की ज़ैनब, इसको तो मैंने वीडियो में लेके गलती कर दी, इतने नखरे ऐसे ज़ैनब स्टार। ओहो ज़ैनब स्टार नीचे है, तुम उसको ऊपर ढूंढ रही हो। मैं आपको बोल रही थी ना कि रावे आपको, ये देखो इसने भी ये सारी जान की लड़कियां लाइनर लाइनर। रावे ने कहा था जैसे रावे कल गया मैं भी ट्राई करती हूँ, ठीक है? तो रावे ने फिर मुझ पे मेरी नहीं। अच्छा तुम दोनों इस वक्त जानवर लग रही हो, सामने आके खड़ी हो। ओहो वाह, इसका ट्यूटोरियल देंगे एक दिन आपको एस्ट्रोलॉजी पे। ये बिल्ली है और ये हाथी है, बिल्ली और हाथी, और मैं इन सब का साथी। मैं ना बिल्ली, मैं ऐसे आपकी शक्ल करके बोलूंगी। इधर आओ, इधर लाइट अच्छी नहीं, इधर लाइट अच्छी आ रही। मैं ना बिल्ली ना हाथी, मैं प्रिंसेस। ओ माय गॉड, रॉब इज अ प्रिंसेस। एक मिनट लाइन बोलनी है वो थी। ये हमेशा लाइन में फंस जाती। मुझे तो याद है कि ना मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी, बट इसको याद नहीं आना, इसको आज तक अपना सबक नहीं याद हुआ। मैं आज एक टीना मीना कैरेक्टर में हूँ, आई एम यू टीना मीना, जो कि अपने सर पे ये बो पहन के बशिंदी बन के फिरती है। तो आई एम अ टीना मीना नाउ। टीना मीना की अम्मा आ गई है इना पीना। चले जी, मानो की स्ट्रगल होती है यहाँ से शुरू। मानो डायरेक्टर इज इन एक्शन नाउ, और इसकी वही शुक्रार पौनिया सेम है, लेकिन एक मोटी एक छोटी। वाओ, चलो दिखा। हीरोइन ऐसे निकलती है, ये इसी तरह से निकलती है। मैं आपको इनका वो डब्बा दिखा देती हूँ जहाँ पे इन्होंने आजादी के भुगाने शुगाने रखे हुए, इसको क्या बोलते हैं, खुबारे। और साथ में ये सब तो 14 अगस्त पे ही यूज होने वाला है। मानो बशिंदी आपने शॉर्ट है ना, मैं यहाँ पे सामान ला के रख रही हूँ और इन्होंने सामान ऐसे करके देखना। बेचारी को तुम लोगों ने ऊपर से उसकी उधर से बुलाया और उसे तुम लोग काम करवा रहे हो। वेरी बैड आएगा, तुम दोनों इधर ही बैठी होगी। हीरा शरीफ के साथ ये दो अदद आर्टिस्ट और मेगा स्टार बाद में आएगी।
टीना मीना इकरा नहीं एक्टिंग करवा रही है हम सब की वीडियो के चक्करों में बिठा के यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे तुमने भुगाले तो फुलाए नहीं जब मैं संभाल लेके भुगारे बारे जब मैं संभाल लेके होगी तो ऐड भी करना है कि ये भी दे दो अभी नहीं बाद में इसको ज्यादा शौक आ रहा है फटाफट चलो स्टार्ट हम लोग ना क्या कहते हैं शॉर्ट बनाएंगे ना मतलब जब हम धागे लगाएंगे आपने रैंडम शॉर्ट लेने हर जगह से शॉर्ट लेने खेलते हैं उधर खड़ी होकर केक खाओ क्या बोलते हैं केक खाना नहीं है कंजप्शन सोन से खाता बाद में हाँ, इनके शॉर्ट इधर बैठ जाओ आप ही आप इधर आ जाओ चलो शाबाश तुमने धागा क्यों पकड़ा हुआ काम के मामले में मेरी टेक क्या है मुझे मेरा कैरेक्टर समझा दें डायरेक्टर साहब मैं आपको बता रही हूँ पागल इस डायरेक्टर को छोड़ बस कर दो अल्लाह का वास्ता बस कर दो दोनों अब वो बिल्ली की तरह और ये चलो आप ही वीडियो तो वो बना रही हूँ यार ना काली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करू तो टोकने का नहीं हमने बांध दिया धागा अब आचा रहा है यू नो आचा रहा है कहती है आचा सुने हो यार आचा लोग कह के मुंह से आप लोगों ने अभी तक आचा नहीं सुना हम बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि इसकी वीडियो बन रही थी और ये उसमें मुसलसल ये बोल रही थी आचा ये देखो ना अभी तो आचा लेके आओ ना आचा लेके आओ आचा तेरे मुंह पे धागा लेके आओ आचा लेके आओ आचा धागा आज का हमारा चैलेंज है कि हमने सारा व्लॉग नाक में मौके बनाना ठीक है और तुम क्या करोगी आप बैठे आप आटा लगाए आचा नहीं मैं धागा आप धागा वो आटा लेने गई मैं चमाचा लगाऊंगी मैं आपको चमाचा मैं लगाऊंगी मेरे साथ हम ही से बात करें जब हम बाजा बजाएंगे तो हम इसको भी नाक में बजाएंगे इसकी आवाज बंद कर ऐसा आ जाए यार कैसी हो ठीक हो तुम्हें बंद करने की जरूरत नहीं है तुम्हारा वैसे ही ऐसा ऐसा तो नहीं है मेरा तुम्हारा ऐसा ही बचपन से ही ऐसा ब्रह्मा तुम्हें पता है आज का चैलेंज नाक में बोलना क्या अभी तुम बोल रही थी बाटे का छोटा का भी धागा बांध मैंने तुम्हें क्या कहा बांध दिया नजर नहीं आ रही देखो वो धागा है जो जो कहते हैं ना धागे तोड़ लाऊं चा दिन ये वो धागे ये थे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद इसको हीरा इसमें भी ये भी एक अपना कैमरा ठीक है सबके बनाती जो बस आप लोग यहाँ पे खड़े होकर जो है ना वो ओके हम लगाने लगे हैं झंडियाँ और मैं आपको तरीका बताती हूँ सबसे बोलना नहीं है आप ही अच्छा हमारे हाथ धोने के लिए आई हूँ सबको पता लग गया बिकरा कवल सबसे ज्यादा व्लॉग में क्या बोलती है कि लेस गो बहुत बोलती है और अब मैं जरा ये लोग रेस्ट कर रही हूँ मैं अपनी अम्मा के पास जाऊँ क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग गई और धूप भी भूख और भूख दोनों इकट्ठी लग रही है क्या बना रही है मम्मा फट गया सारा फट गया क्यों फाड़ा आपने पराठा बेचारा मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो इस चीज का कि जब तुम्हें लाइफ में मौका मिले पहाड़ों पे जाने का समंदर पे जाने का तो कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे वो देखो वो फुला रही है मोटा मुंह उसका दो उसके गाल और एक उसका फिर क्या हुआ हाँ मेरे मुंह से भी फिर निकलता है जितनी शिद्दत से ज़ैनब गुब्बारे फुला रही इतनी शिद्दत से अगर इसने पढ़ा होता ना तो आज ये टॉपर होती क्लास की क्या लगा रही हो बारे बुगारे आंचे के साथ बारे आंचे के साथ नहीं आंचे आंधे के साथ गन डाली जा रही है नीचे इतना लेकिन मैं आपको दिखा दूं इसके ओएल ले ऐसे ना गो यार ऐसे ही कहूंगी तो मैं रात से नहीं सोई मैं सुबह से नहीं सोई पार्टनर शिफ्ट कर लिया हीरा पे आपको न्यू पार्टनर आपकी कैसी लगी हाँ हीरा आजकल सोती है मैं और फातिमा लिटरली पूरी रात जागते हैं हम लोगों ने इन दोनों को एक साथ कर दिया पार्टनर की तारीफ नहीं कर सकती अगर करूंगी तो वो मुझे इतना डांटेगी इतना मारेगी कि बस मैं समझ सकती हूँ मुझे ऑफ द कैमरा पता चल गया कि क्या कहना चाहती हूँ पार्टनर लगी है यार सही फातिमा अच्छी पार्टनर है वो थी जो कहते हैं ना स्लीपी इन्वेस्टर्स उस तरह की थी कि वो है नहीं है पता ही नहीं चलता था लेकिन रात को सोए सोए पता चल गया
और मैं ऑल अलोन घर में हमारा शेफ आ चुका है पहला डायरेक्टर और ये क्या कैसे क्या मैक्रोनीज कैसे खा रही हो मैक्रोनीज नहीं सैलेड बना रही हूं तुम्हें जब देखो किचन में पाई जाती हो तुम हेल्थ के लिए तो जिंदगी में कोई काम नहीं है इधर हम तैयार होके बैठे हैं तुम यहाँ पे अच्छा इतनी थोड़ी क्यों बना रही हो अपने पापा के लिए और अपने फादर के लिए बस मैं सोते ऑर्डर दिया था मैं भी मुझे मेरा इसी में से एक चम्मच ले ले नहीं चले जी ये दो आदत बशिंदियां जो है ना वो व्हाइट कपड़े पहन के आ गई हैं और ये अपने अपने बैजेस लगा रही हैं ये इससे वीडियो के लिए आज कोई 14 अगस्त नहीं है लेकिन फिर भी तो ये है मेरी व्हाइट लुक फॉर 14th अगस्त नो 14 अगस्त आज नहीं है लेकिन फिर भी हमारा 14 अगस्त पहले सेलिब्रेट किया जाता था क्योंकि राबा क्यूरी वीडियो की शूट तो ये लुक थी दोबारा तो ये मैं हो चुकी हूँ तैयार झंडे झंडे लगा लिए राबा उधर मुंह पे अपने पेंटिंग करके बैठी हुई है वो देखें जरा ओके डन थैंक यू राबा चले जी हीरा ने बुलाई है ये फसाद की जड़ जो इतना से सबके हिस्से में आया पापा तो अपना एंजॉय से खा रहे हैं सब लोग लेकिन तारीफ करो ना जितना भी बनाया सब कह रहे हैं मुझे भी दो पापा को अच्छा लग रहा है और मैंने अभी तक एक चम्मच भी नहीं टेस्ट किया झूठी दे दे तो मुझे मिल गया जी एक चम्मच मेरे हिस्से आया आज एक चम्मच हीरा तुम ये भी ना बनाती पता नहीं तुम हाँ ये तो खाली गोभियां ही हैं आज आप सोच रहे कि फिर आज ग्रीन एंड व्हाइट क्यों बनी हुई है तो आज मेरे सॉन्ग का है शूट जो कि मैं अपने चैनल इकड़ा कवल पर करने जा रही हूँ रिलीज अब मुझे निकलना है मैं कम्प्लीटली तैयार हो चुकी हूँ एंड लेट्स गो अच्छे मौसम में हम जा रहे हैं और मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठी हूँ मतलब कि ये सामान अगर आप उठाएंगे ना मेरा बैग तो आपको पता लगेगा कि इसमें कोई मेरा हाउस है कोई 40 किलो तो वजन होगा 40 नहीं किलो को आ तो आप हो नहीं मैं थोड़ी ज्यादा हूँ मुझे बस एक चीज का हो रहा है कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट वेट कर रहा है उस दिन ने मुझे कॉल करके आज सुबह उठाया पापा ने स्पेशली मुझे कहा था कि 14 अगस्त का नया बनाओ लेकिन टाइम कम था इसलिए मैंने एक कवर सॉन्ग प्रिपेयर किया ये तो आपको मेरे चैनल को विजिट करने के बाद पता चलेगा और पापा खुद भी बड़े कम आते हैं हमारे ब्लॉग में लोग बहुत पूछते हैं मैं अब अपना चैनल लॉन्च करने वाला उसमें फिर मैं अकेला ही आऊंगा और अपनी पूरी एक्टिविटी बताऊंगा ठीक है अकेले आएंगे अकेले मतलब मैं अपनी एक्टिविटी जो मैं बिजी होता हूं ना बिजी होते हैं हमारे पापा हमारे घर पास कहाँ रहते हैं मतलब कभी किधर कभी किधर कभी किधर ये मेकअप आर्टिस्ट सुबह से बेचारा वेट कर रही है करी जा रही है फरी है हमारी बड़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और मेरे हाथ देखे इस वक्त हैंगर बने हुए यहाँ पे गटर की स्मेल भी आ रही है तो दिस इज आवर लोकेशन और यहाँ मेरा मेकअप का सामान तो लग चुका है हमारा ये देखे कितना कूड़ा क्रिकेट हो गया और इस लड़की ने मुझे क्या मेकअप किया लुक ही मैंने चेंज कर ली मैं अब आपको ना सारी डिटेल बताऊंगी अपने लुक के बारे में पंजाब सिंध बलोचिस्तान और NWFP मतलब पख्तून खान होता है ना चार सूबे होते हैं तो पंजाब की शलवार कमीज दुपट्टा ये देखें और जैकेट फ्रॉम सिंध और जूते फ्रॉम कोयटा मतलब बलोचिस्तान और ये फ्रॉम पख्तून तो चारों सूबे एक उसमें अटायर में कवर किए हुए हैं अब पता नहीं वीडियो में जूते आते हैं कि नहीं आते व्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया मैं अपनी तरफ से मैचिंग करके आई हूँ ठीक है तो पाकिस्तान डे के स्पेशल सॉन्ग के लिए लड़ ही रहे हैं और अब हमारे ऑन लगा शूट और यहाँ पे होएगा और ये अपनी टीम जो है ना वो फुल तैयारी करे हार्ट हार्ट पाकिस्तान में मैं मुझे आज अपना मुँह इतना मोटा गोलगप्पा लग रहा है पता नहीं क्यों लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज अपने लुक को तो कंप्लीट करती हूँ तो हमारा सेट जो है वो रेडी हो चुका है टीम हमारी जो है ना वो लाइटें शाइटें हर चीज़ पकड़ के खड़ी हुई है बस मेरा इंतज़ार हो रहा है कि लड़की गाना शुरू करे तो हम लोग रिकॉर्ड करें तो फिर से कह रही हूँ कि इकरा कवल के चैनल पर जाकर ज़रूर देखना है मैं मैंशन कर रही हूँ लिंक मैं कह रही हूँ डिस्क्रिप्शन में तो अब लाइटें ऑन हो चुकी हैं अब मेरा कैमरा होगा बंद और ये होगा शुरू सो गाइस मिल गया इस ड्रमदान इकरा कवल से मेरा नाम नहीं है ड्रमदान मतलब मैं आज आपको ड्रम बजाना सिखाऊंगी कहते हैं ना गंजे के हाथ में कंघी लगे तो खारिश कर करके खून निकाल लेता तो आज मैं ड्रम्स का भी यही हाल करने वाली हूँ टेक्निक होती है कि एन जैन 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 कहते हैं ना कि पहले भैन भरा ताएनू ताईनू बेबी रोशनी चलता रहे बकरी कुर्बानी के ऐसे कहते हैं ना उसका बनाया हुआ है आपको पता है कि हैंडमेड है ये कोयटा में ना लोग टायर से ये जूती टायर की बनी हुई है टायर नहीं होता
उसको काट काट के कोयटा के लोग बनाते हैं, दस्तकारी इसको कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट पहना पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए और साथ साथ दस्तकारियों को भी। ये एक नहीं कोयटा के, ये बलोचिस्तानी है, जिन बलोचिस्तान जिनकी वो ऐसे वाली शलवार होती है जो बाइक पे बैठे तो पैराशूट पहनते हैं, जब वो बाइक पे जा रहे वो पैराशूट का काम करते हैं। मतलब एक बार मैंने देखा, मैं ना गई बलोचिस्तान तो वहाँ पे लोगों ने ना वो बाइक चला रहे थे वो घेर वाली शलवार पहन के, तो बाइक चला रहे बस लोग साइडों पर इधर एक घुमारा इधर एक घुमारा बीच में इतना सा बंदा है, मैं समझ रही यार उनकी शलवार का स्टाइल है बड़ा मजे का, हमारे पाकिस्तान की वैसे ही चीजें बड़ी मस्त है। किसी चीज गायब करनी है ना उसे मैंने पहन लेता। मैंने अपने यहाँ पे गाने की शूट कर लिया है खत्म, और अब हम लोग अपना जरा जो मैंने अटायर पहना है वो मैं आपको फुल दिखाऊंगी, और मैं वहां जाकर जरा आउटडोर शूट कराती हूँ, लोकेशन आपको दिखाती हूँ, बदबूदार मसालेदार। तो अब हम पहुंच गए इस हरियाली वाली लोकेशन पे, यहाँ पे ना कुछ मजेदार सा वेंचर करेंगे हमारे फोटोग्राफर्स। ये लोकेशन है ग्रीन कलर की, इस पर बहुत अच्छी आएगी, है ना। 14 अगस्त के हिसाब से हो रहा है हमारा शूट, तो 14 अगस्त पे तो कुछ और ही पहनूंगी, लेकिन मैंने कहा प्यारे बने हुए हो, कभी कभी बंदा प्यारा लगता है। हाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं लग कैसी रही, मतलब इस लुक में। ये देखें ए बिल्ली, व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। कोई बात नहीं, चलते हैं जी हम अपने वापस, अब मुझे चेंज करना है। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा हो रहा है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसका रिकॉर्ड ही कर लूँ। यहाँ पे ग्रीनरी और आसमान तो कोई अखीर का प्यारा। सो मैं पहुँच गई हूँ घर, अब मैं यहाँ पे एक अदद भिखारी बैठा हुआ 20 रुपए पकड़ के, ये देखें। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो पागल का वेट कर रहा। ये वो पीछे जैनब का वेट है, ये दो भिखारी है पूरे व्लॉग में अभी हुए हैं शुरू, कोई इनकी कोई वीडियो बन रही है उसकी शूटिंग चल रही है। कंटेंट क्रिएट हो रहा है। हाँ मुझे नजर आ रहा तुम्हारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है। चलो ये कंटेंट क्रिएटर की जो है ना वो अम्मी है। ये बतूल कह रही है जब मैं तैयार श्यार होके आऊंगी, बतूल भी ऐसे व्लॉग में नहीं आती, कहती मैं तैयार होके आऊँ। हमारी जो है ना वो साइकिल पे घूमती फिरती सारा दिन घूमती रहती है सारा दिन। बतूल आज घर जाके पार्टी करेगी। अच्छा वेचन वाली है, मुझे लगा पार्टी करने वाली रोटियां, फिर ठीक है। तो अब ये साइकिल जो है ना वो लाके इसने खड़ी कर दी, और ये यहाँ से हिल ही नहीं रहे, पता नहीं इनको क्या लॉजिक क्या है इनकी यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।